हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम आदित्य बाली है और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो सरफेस केमिस्ट्री का है। पार्ट टू, पार्ट वन मैंने अपलोड कर दिया था, आज है पार्ट टू। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इटसेल्फ। इसका मतलब है कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन उसमें खुद में कोई चेंज नहीं आता, उसे बोलते हैं कैटलिस्ट। मीन्स कैटलिस्ट को किसी रिएक्शन में डाला, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन कैटलिस्ट में खुद में कोई चेंज नहीं आएगा। मीन्स अगर मैंने आयरन को किसी कैटलिस्ट में डाला तो रिएक्शन के एंड में मुझे आयरन ही मिलेगा, आयरन ऑक्साइड नहीं मिलेगा, आयरन सल्फाइड नहीं मिलेगा। आयरन डाला तो आयरन ही मिलेगा, निकल डाला तो निकल ही मिलेगा। तो ये था कैटलिस्ट। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट। जो हमारे पास टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, कोई बात नहीं। तो फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट में क्या होता है कि कैटलिस्ट ऐसा क्या काम करता है कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्टेंट को, कैटलिस्ट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को वो एनर्जी बैरियर देता है जिसको पार करने के लिए एनर्जी क्या लगती है, एक्टिवेशन एनर्जी लगती है कम, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है। लेकिन एक नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट का यूज़ नहीं हो रहा, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को फाइनली जो प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, आप फोटो में देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैटलिस्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है ए कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के एंड में रीजनरेट होता है। मान लीजिए आपने किसी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए रिएक्शन में स्टार्टिंग में 2 ग्राम निकल डाला था, तो रिएक्शन के एंड में आपको 2 ग्राम या 1.9 ग्राम के आसपास आपको मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा, रीजनरेट होता है रिएक्शन के एंड में। सेकंड पॉइंट है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन कैटलाइजिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में कैटलिस्ट यूज़ होता है। मीन्स अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का भार 2 किलोग्राम है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का भार 2 kg है, तो सिर्फ 2 ग्राम कैटलिस्ट सफिशिएंट है उस रिएक्शन को कैटलाइज भी करने के लिए। आई होप आपने ये 2 पॉइंट अच्छे से पढ़े होंगे। तो आइए थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। तो अगली जो प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट के रिगार्डिंग, वो प्रॉपर्टी है कि एक कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। मतलब कि कैटलिस्ट कभी भी उस रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ा सकता जो रिएक्शन हो ही नहीं रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बहुत अच्छा, कि टीचर हमेशा उस बच्चे के मार्क्स लेने की स्पीड बढ़ा सकता है जो बच्चा पढ़ना चाहता है, चाहे कम पढ़ना चाहता है, लेकिन टीचर कभी भी उस बच्चे के मार्क्स लेने की स्पीड नहीं बढ़ा सकता जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। वैसे जो रिएक्शन हो ही नहीं रही है, कैटलिस्ट उस रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ा सकता। कैटलिस्ट उसी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगा जो रिएक्शन हो रही है, चाहे स्लो हो रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। नाम से पता लग रहा है, जब एक कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएगा, उसे बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जब कोई कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएगा उसे बोलते हैं, जब कोई कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाएगा, उसे बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो एग्जाम्पल आपके सामने आप देख सकते हैं, ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से समझ लीजिएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैटलिटिक प्रमोटर्स। तो पहले हम प्रमोटर्स की डिस्कशन भी करेंगे। जो कैटलिटिक प्रमोटर्स होते हैं, तो कैटलिटिक प्रमोटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता ही है, लेकिन प्रमोटर्स वो सब्सटेंस हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया जब बनती है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनती है, अमोनिया बनती है। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी, और इसमें आयरन कैटलिस्ट होता है। तो जो आयरन कैटलिस्ट है इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें मोलिब्डेनम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, मोलिब्डेनम का यूज़ करते हैं। तो मोलिब्डेनम क्या है, इसमें कैटलिटिक प्रमोटर है। और वैसे ही कैटलिस्ट
कैटालिटिक पॉइजन भी होता है। एक कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है। तो जैसे कि मान लीजिए आर्सेनिक या कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक या कार्बन मोनोऑक्साइड आप अगर किसी भी रिएक्शन में डाल देंगे तो रिएक्शन में रिएक्शन धीरे धीरे स्लो होती जाएगी और एक टाइम पे आगे रिएक्शन बंद हो जाएगी, क्योंकि ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, वो एक होता है होमोजीनियस कैटालिसिस और हेटरोजीनियस कैटालिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार आता है, काफ़ी बार आ रखा है ये एग्ज़ाम में, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेटरोजीनियस कैटालिसिस। तो आइए हम होमोजीनियस कैटालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स और कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल्स, या फिर कैटलिस्ट जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स और कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल सेम फेस में तब उसे कहेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। सेम फेस का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सॉलिड हैं तो कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल भी सॉलिड होने चाहिए, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स लिक्विड हैं तो कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल भी लिक्विड होने चाहिए, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स गैस हैं तो कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल भी गैस होने चाहिए, तो उसे बोलते हैं सेम फेस। एग्जांपल यहाँ लिखा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, SO2 गैस है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड करना, वो भी गैस है, तो अगर हम इसे SO3 बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, लेकिन इसमें कैटलिस्ट हम डाल रहे हैं NO का होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो भी गैस फेस में, तो SO2 गैस है, O2 गैस है और NO जो हमने डाला वो भी क्या गैस है, तो इसे हम कहेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। इसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस। तो अलग वे में आया अगला टॉपिक हेटरोजीनियस कैटालिसिस। हेटरोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट फेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द कैटलिस्ट, मीन्स कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल डिफरेंट फेस में है। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सॉलिड हैं तो कैटलिस्ट या तो गैस होगा या लिक्विड होगा, अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लिक्विड हैं तो कैटलिस्ट या तो सॉलिड होगा या गैस होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अमोनिया जब बनता है, नाइट्रोजन गैस है, अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू अमोनिया, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस, लेकिन जो इसमें कैटलिस्ट डलता है वो डलता है आयरन क्या है सॉलिड, आयरन क्या है सॉलिड, तो डिफरेंट फेस हुआ ना, एक गैस है एक सॉलिड है, तो इसे बोलेंगे हेटरोजीनियस कैटालिसिस। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम कैटालिसिस, ये एग्ज़ाम में किस नाम से आता है मैं आपको बताता हूँ। पिछले कई साल से एग्ज़ाम में एंजाइम के नाम से नहीं आ रहा है टॉपिक, ये बायो कैटलिस्ट के नाम से आ रहा है एग्ज़ाम में, बायो कैटलिस्ट के नाम से। तो जो एंजाइम्स होते हैं ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और यू कैन से दीज आर दी बायो कैटलिस्ट और ये जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स या एनिमल्स में होने वाली ये जो केमिकल रिएक्शन है उसको कैटलाइज करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली केमिकल रिएक्शन की जो सब्सटेंस स्पीड बढ़ाएगा उसे बोलेंगे कैटलिस्ट या बायो कैटलिस्ट या बायोलॉजिकल कैटलिस्ट या एंजाइम। इसके एग्जांपल हैं कि जब हम ग्लूकोज के हाइड्रोलिसिस करते हैं, ग्लूकोज के अंदर अगर हम एंजाइम डाल दें तो बनेगा एक तो जाइमेस, ग्लूकोज में अगर हमने एंजाइम डाल दिया जाइमेस तो इसमें जो बनेगा एक तो बनेगा अल्कोहल और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लूकोज से अल्कोहल बनाने के लिए एंजाइम की ज़रूरत है, कौन सा एंजाइम चाहिए, जाइमेस एंजाइम चाहिए। वैसे ही यूरिया की अगर हमने हाइड्रोलिसिस करनी है तो हमें जो एंजाइम चाहिए वो है यूरिएस, यूरिया की अगर हाइड्रोलिसिस करनी है तो जो हमें एंजाइम चाहिए वो है यूरिएस। तो एग्जांपल्स मैंने 2-3 और लिखे हैं आपको, वो भी सारे अच्छे से स्टडी करने हैं, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम कैटालिसिस, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम कैटालिसिस में जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो है हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी का मतलब है कि अगर हम एंजाइम्स का यूज़ कर रहे हैं किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए तो रिएक्शन की स्पीड 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना नहीं बढ़ेगी, रिएक्शन की स्पीड मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगी, मीन्स 1000 गुना हो जाएगी रिएक्शन की स्पीड या 2000 गुना या 1500 गुना हो जाएगी रिएक्शन की स्पीड, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सेकंड पॉइंट है एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, अगर किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करना है तो एंजाइम बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, एंजाइम बहुत कम चाहिए, बहुत ही कम। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की वो है स्पेसिफिसिटी। एक पार्टिकुलर टाइप का एंजाइम एक किसी पार्टिकुलर गिवन रिएक्शन में यूज़ होगा, मींस एक टाइप का एंजाइम हर एक केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं हो पाएगा, मींस कहने का मतलब यह, फॉर एग्जांपल अगर आपके सिर में दर्द हो रही है तो एक पार्टिकुलर टाइप की दवाई खा सकते हो आप सिर दर्द के लिए, डिस्प्रिन वगैरह खा सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि घुटने में दर्द हो रहा है और आप डिस्प्रिन खा लोगे आपका दर्द ठीक हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है।
वैसे जैसे मैंने बताया था कि ग्लूकोज से अगर आपने अल्कोहल बनाना तो जाइमेज एंजाइम यूज़ करेंगे। ग्लूकोज से अल्कोहल बनाने के लिए आप यूरियाज एंजाइम का यूज़ नहीं कर सकते, तो स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन कैसे होगा, स्पेसिफिक होते हैं। अगला है ऑप्टिमम टेम्परेचर, कोई भी कैटलिस्ट है या कोई भी एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही एक्टिव होता है। आपने देखा होगा, आप किसी केमिस्ट की शॉप पे जाइए तो उन्होंने दवाइयों वगैरह को फ्रिज में रखा होता है, और कुछ दवाइयों को खुला रखा होता है, कुछ को गर्म टेम्परेचर पर रखा होता है, क्योंकि हर एक कैटलिस्ट, हर एक एंजाइम जो होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही एक्टिव होता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेंज से ज़्यादा तो वो ख़राब हो जाएगा, कम होएगा तब भी डिकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ। हर कोई एंजाइम होता है वो एक पर्टिकुलर एसिडिक या पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रेंथ पर ही वैलिड होता है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होता है। मीन्स अगर जितना एसिडिटी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जितनी बेसिटी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा बेसिटी हो जाएगी तब भी वो एंजाइम क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो आज के पार्ट टू के टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन यहीं तक थी। आई होप आप सभी ने ये नॉलेज, डीप नॉलेज गेन की होगी और सारे टॉपिक्स अच्छे से समझे होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का भला हो सके। वैसे कोई फ़ायदा तो है नहीं आपको कहने का, बस वीडियो देखते हैं आप लोग, लाइक तो भूल ही जाओ, लाइक तो करते ही नहीं, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही मन में ही नहीं आप लोगों के। मतलब नॉलेज लेने के बाद भी आप लोग ना चैनल को लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो, तो अच्छी बात नहीं है। सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।